हेलो दोस्तों, अगर आप भी पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हो, पूरा पैसा विड्रॉल करना चाहते हो, तो मैं आपको इसमें बताने वाला किस प्रकार से आप घर बैठे पीएफ के पूरा पैसे के लिए कैसे ऑनलाइन क्लेम दर्ज कर सकते हो, तो इसमें कंप्लीट आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आज की जो कमाल वेबिनार देखकर शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने क्रोम या फिर अपने गूगल को ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च कर देना ईपीएफ। जैसे आप सर्च करते हैं यूएन के एक साइट मिलेगा, सिंपली आपको यूएन पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर अपने यूएन नंबर एंड पासवर्ड डाल के इसमें आपको साइन इन करना पड़ता है, लॉग इन करना पड़ता है। यहाँ पर आपको साइन इन पर क्लिक करके अपने ओटीपी के सारे इसमें आप लॉग इन कर लीजिएगा। जैसे कि सिंपल प्रोसेस यहाँ पर आसानी से आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा ओटीपी आ चुका है, यहाँ पर ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे आपको कैप्चा को फिल कर नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर लोडिंग होगा उसका। दोस्तों यहाँ पर आप सक्सेसफुली इसमें आप लॉग इन हो जाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सिंपली इसको मैं कट करें तो यहाँ पर एक आपको अलर्ट आएगा। तो सिंपली आपको इसको लेटर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लेटर पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस शो होता है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईपीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए यहाँ पर एक बार आपको चेक कर लेना है कि आपका जो भी केवाईसी वगैरह सब कुछ अपडेट है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको मैनेज पर क्लिक कर देना, आपको केवाईसी पर क्लिक कर देना है। केवाईसी वाले सेक्शन जैसे आप क्लिक करते हैं पेज यहाँ पर थोड़ा लोड होगा उसका। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं केवाईसी का पूरा स्टेटस यहाँ पर शो हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका बैंक का जो वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मेरा पैन कार्ड एंड आधार कार्ड दोनों यहाँ पर अप्रूव है। तो इस प्रकार से अपने केवाईसी एक बार चेक कर लीजिएगा और ऊपर आप देख लीजिएगा मेरा केवाईसी कंप्लीट है कि नहीं। यदि आपका बैंक एंड यहाँ पर आपका पैन कार्ड पासवर्ड जो भी अपडेटेड है तो यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा उसका। दोस्तों यहाँ पर ट्रैक क्लेम पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जैसे ट्रैक क्लेम पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर फॉर्म 31 ही यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एडवांस पैसा निकाला और पूरा पैसा अभी तक नहीं निकला है। इसका यहाँ पर क्लेम यहाँ पर मैं दर्ज करता हूँ, ऑनलाइन क्लेम पर मैं क्लिक करता हूँ। सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट नंबर आपके इस वाले ईमेल से लिंक रहेगा उस वाले अकाउंट नंबर को बैंक खाते को यहाँ पर इंटर करना है। तो यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर दें। जैसे वेरीफाई करते हैं अलर्ट आएगा, यहाँ पर यस क्रेडिट पर क्लिक कर दें, यहाँ पर आपका सही यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा। एंड यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं आपका ज्वाइनिंग डेट जो भी आपका मेंबर आईडी नंबर शो हो जाएगा एंड ज्वाइनिंग डेट आपका शो हो जाएगा। एंड नीचे आपको अलर्ट का ऑप्शन आपको नोट में आपके यहाँ पर पूछ रहे आपका जो भी इवेंट पर आपका बैंक अकाउंट सब कुछ वेरीफाई होना चाहिए ऑलरेडी। यहाँ पर मेरा सब कुछ वेरीफाइड है, तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर मैं क्लिक करें। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर चेक करने के लिए बोलते हैं। जैसे आप प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम क्लिक करते कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस होता है। आपका मोबाइल नंबर एंड यूएन नंबर यहाँ पर शो हो जाता है, बड़े अक्षर में जो भी आपका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा एंड यहाँ पर कुछ भी पेन नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर शो हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड उसके नीचे यहाँ पर छोड़ने की दिनांक भी शो हो जाएगा और इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आई वॉन्ट टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों यहाँ पर चार पांच ऑप्शन शो होते हैं, यहाँ पर आपको ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 आपको सिलेक्ट करना है, यानी 19 यहाँ पर फॉर्म सिलेक्ट करना है। उसके दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर का जो भी एड्रेस है आपको कंप्लीट अपना जो भी एड्रेस आपको फिल कर देना। जैसे यहाँ पर अपना एड्रेस कुछ इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, जो भी लैंडमार्क है यहाँ पर फिल कर लीजिएगा एंड जो भी आपका स्टेट है यहाँ पर उस लेकर एक ऑप्शन मिलता है। सिंपली इस प्रकार से आप अपना जो भी स्टेट आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं अपने स्टेट को आपको सिलेक्ट कर देना और जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर एंटर कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना चेकबुक एंड पासबुक का एक फाइल यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। सिंपली आपको फाइल को यहाँ पर आप मैनेज करना पड़ेगा, जिसकी साइज 100 KB से लेकर यहाँ पर 500 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आप व्यू करना चाहते हैं, यहाँ पर व्यू क्लिक करके इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ये करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस होता है। तो यहाँ पर चेकबुक पासबुक अपलोड करने के बाद ऊपर आपको एक फॉर्म मिलता है 15 जन, तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा। यहाँ पर यदि आपका पीएफ 50,000 से अबव है तो यहाँ पर इस फॉर्म को आपको भरना पड़ता है। तो सिंपली आपको इस कंडीशन को एक्सेप्ट करना, नीचे आपको गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन मिलता है, सिंपली एक बार चेकआउट कर लीजिएगा सब कुछ डिटेल्स। यदि आपका सही है तो यहाँ पर कुछ गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करके अपना ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं प्लीज वेट करके ऑप्शन मिलता है। जैसे दोस्तों सक्सेसफुल जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर मोबाइल पर जो भी यहाँ पर ओटीपी सेंड कर दिया है तो यहाँ पर आधार ओटीपी का यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद वैलिड ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आप क्लिक कर देना। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपका जो भी क्लेम यहाँ पर सबमिट हो जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपका पोर्टल यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। जैसे दोस्तों ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड है, केवाईसी विड्रॉल योर फॉर्म यहाँ पर सबमिटेड ऑन पोर्टल, इस पर क्लिक करके इसका जो पीडीएफ है आप देख सकते हैं कि आपने जो भी यहाँ पर फॉर्म भरा है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको नहीं मिलता। जो आपका चेकबुक है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली इसको डाउनलोड या फिर प्रिंट आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड की ऑप्शन मिलता है, सिंपली इस पर क्लिक करके इसको आप अपने फाइल में सेव कर सकते हैं या फिर इसको प्रिंट आउट से आप निकाल कर किसको दे सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूं। कट करने के बाद इसके बाद फिर से आपको ऑनलाइन सर्विस का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको ऊपर ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट यहाँ पर मैंने फॉर्म 19 यहाँ पर अप्लाई किया, 11 अगस्त 2024 को मैंने अप्लाई किया था। एंड यहाँ पर करंट स्टेटस में देख सकते हैं ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड फॉर्म पोर्टल पर शो हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर फॉर्म 30 अप्लाई होता है, एडवांस में पैसा निकलता है, बट यहाँ पर मैं अपना पीएफ का पूरा पैसा यहाँ पर विड्रॉल कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से
अपना पीएफ का पूरा पैसा को लेकर विड्रॉल कर सकते, क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर आपको जानकारी बता दी। और हाँ, यदि आपका भी सिर्फ यहाँ पर फॉर्म 30 शो होता है, यदि आपका एडवांस पैसे के लिए शो होता है और बाकी सारे फॉर्म यहाँ पर फॉर्म 90, फॉर्म 10 से यहाँ पर नहीं होता है, तो मैंने इसको प्रॉपर वीडियो बना रखा है। आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। तो फिलहाल तो आपको इस वीडियो में बस एक छोटी जानकारी देने वाला हूँ। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत धन्यवाद। नहीं कहते कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी सेलेक्ट कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के सभी वीडियो को सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए उसको फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जाए जवाहर, तो वंदे मातरम।